अभी अपन को क्या करना है, अपन को डीबीएम चेक करना है। अब आप सोचते होंगे व्हाट इज डीबीएम, सो लेट मी टेल यू अबाउट द डीबीएम। तो डेसीबल, इधर दिखाइए, डेसीबल मिलीवाट कहा जाता है। ये सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो आपके टॉवर से आते हैं, और ये लिखा हुआ है इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ पावर एंड द एंटीना ऑफ एम्पलीफायर इज एबल टू प्रोड्यूस। जो भी एम्पलीफायर होती है या जो भी प्रोड्यूस होती है एंटीना के थ्रू, उसको हम डीबीएम कहते हैं। ये डीबीएम हमें कुछ रेंज में मिलती है माइनस में, सो एक्चुअली इसको 0 to 100 में स्केल किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपकी 90 90 -80 के नीचे है तो ये एक्सेलेंट माना जाता है, प्रीमियम, सबसे तेज। अगर 80 to 90 है तो गुड माइनस में, और माइनस में 90 to 110 है तो फेयर टू पुअर माना जाएगा। पर अगर -10 के नीचे है तो इसको सिग्नल को अनस्टेबल माना जाएगा। अब अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल होता है जिसके अंदर वो आपके अप डाउन आते हैं। अब हम इसका डीबीएम चेक करते हैं। तो देखिए, हम इसका डीबीएम चेक कर रहे हैं, तो आप इसका डीबीएम देख सकते हैं। तरीके से नेटवर्क ओके हो गया है। अब मैं आपको डीबी सिग्नल दिखाना चाहूँगा, तो उसके लिए हम आपको वही हमारे 4G फोर्स LTE एप्लीकेशन में लेके चलते हैं। तो आप नोटिस करो, अब ये -87 है। ये देखो, दिखाओ यहाँ पे जूम करके, दिख रहा है? देखो, -90, -80 और -80, गुड। इसका मतलब हमारा जो सिग्नल है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अगर ये -80 के नीचे जाए तो ये एक्सेलेंट सिग्नल माना जाता है। सो -88, 87 ये आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सिग्नल भी काफ़ी बढ़िया है।